जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन रेलवेज की एक ऐसी बहुत ही बढ़िया सर्विस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे शुरू हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। यहाँ तक कि कोच अटेंडेंट्स और कोच स्टाफ भी नहीं चाहते कि इस सर्विस के बारे में पैसेंजर्स को पता चले। कई महीने पहले रेलवे ने बोगीज में वॉश बेसिन के पास कुछ पोस्टर्स लगवाए थे जो पैसेंजर्स को इस सर्विस के बारे में बताने के लिए थे, लेकिन बहुत ही जल्द ये पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए। चलिए अब बात करते हैं आखिर कौन सी सर्विस है ये। इस सर्विस का नाम है कोच मित्र, जो पहले क्लीन माई कोच नाम से शुरू की गई थी जिसके बाद अपग्रेड करके कोच मित्र नाम से चलाया जा रहा है। इस सर्विस के द्वारा आप रेलगाड़ी में यात्रा करते वक्त अपने कंप्लेन या कोई भी इशू जो आप फेस कर रहे हैं वो रजिस्टर करवा सकते हैं और उन पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2018 की जुलाई में मुझे इस सर्विस को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी। कंप्लेन रजिस्टर करते ही तुरंत एक्शन लिया गया था और मेरे अलावा बाकी लोग भी जो उस बोगी में ट्रैवल कर रहे थे सभी लोग रिजल्ट देख के काफ़ी खुश थे। उसके बाद आज तक इस सर्विस को यूज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए अब बात करते हैं कि इस सर्विस को यूज़ कैसे करना है। सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है coachmitra.indianrail.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस वेबसाइट को खोलिए, इसमें अपने PNR नंबर, मोबाइल नंबर और सर्विस टाइप सिलेक्ट करिए, जैसे टॉयलेट क्लीनिंग हो गया, कोच क्लीनिंग हो गया, कोच में पानी नहीं है या लिनन बेडरोल का कोई प्रॉब्लम है, ट्रेन में लाइटिंग का या AC का कोई प्रॉब्लम है, पेस्ट कंट्रोल या छोटी मोटी मरम्मत, इस तरह का जो भी है, एक जो भी सर्विस आपको जिसके रिगार्डिंग इशू है वो सिलेक्ट कर लीजिए और देन सबमिट क्लिक कर दीजिए। सबमिट करते ही आपकी कंप्लेन जो है रजिस्टर हो जाएगी और बस कुछ ही देर में इसमें एक्शन ले लिया जाएगा। आप इसी वेबसाइट पे अपने फीडबैक भी दे सकते हैं एंड फीडबैक ज़रूर देना भी चाहिए। उससे होता क्या है कि इंडियन रेलवेज को पता चलता है कि काम किस तरह से हो रहा है और उसकी गुणवत्ता क्या है। सरकार का काम है हमारे लिए सर्विसेज देना, उसी तरह हमारा काम या ये कह लीजिए कि हमारी ड्यूटी है कि उसका फीडबैक हम ज़रूर दें सरकार को। अब अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं एक SMS के थ्रू। आप अपनी कंप्लेन एक SMS के थ्रू रजिस्टर करा सकते हैं। किस फॉर्मेट में SMS करना है वो भी इस वेबसाइट में दिया हुआ है, मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। आपका जो भी सर्विस है, ठीक है, हर सर्विस का एक कोड दिया हुआ है, जैसे टॉयलेट क्लीनिंग का T, कोच क्लीनिंग का C, इसी तरीके से आपकी जितनी सर्विसेज का उनका एक कोड दिया गया है। तो अब आपको SMS करना है इस तरीके से OB स्पेस, अब सपोज टॉयलेट क्लीनिंग के लिए इशू है तो टाइप करिए T स्पेस आपका PNR नंबर 10 डिजिट्स का स्पेस और फिर जो आपका डिस्क्रिप्शन है सर्विस में जो प्रॉब्लम है उसका जो डिस्क्रिप्शन है, अगर टॉयलेट चोक है तो लिख दीजिए टॉयलेट चोक और ये आपको सेंड करना है SMS 9821736069 पे। SMS सेंड करते ही सामने से एक रिप्लाई आ जाएगा आपके पास जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि हाँ आपकी सर्विस की कंप्लेन मिल गई है हमें और आपको एक आपका कंप्लेन नंबर इशू कर दिया जाएगा और बस कुछ ही देर में आपकी कंप्लेन पे एक्शन भी ले लिया जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अगली बार रेल में सफ़र करते वक्त कोच मित्र को याद रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें।